हमारे बीच में आदर्श अरुण जी को जो युवा नेता है, इनको माननीय शर्मा जी गुलदस्ता भेंट करके स्वागत करेंगे। और वर्तमान में अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी की सरकार ने भी अपने राज्य के खिलाफ जो स्वार्थ के लिए या अपने विरोधियों के विरुद्ध सीबीआई, ईडी व आईटी आदि का भी काफी ज्यादा दुरुपयोग किया है, जो अभी भी लगातार जारी है। ऐसे हालातों में अब आप लोगों को केंद्र में कांग्रेस बीजेपी प्रणाली की मदद से ही इस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र और देश के अधिकांश राज्यों में भी और आपके उत्तर प्रदेश में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में केंद्रित है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने लंबे अरसों के साथ सरकार में तो यहाँ के उत्तर प्रदेश के भी जो गरीब और बेरोजगार लोग थे या किसान लोग या अपनी मेहनत के लोग तो उनके हितों में कोई ठोस कदम नहीं उठा है। और इतना ही नहीं, हमारे मुस्लिम समाज के भाई अल्पसंख्यक समाज के भाई भी अपनी विभिन्न समस्याओं से यहाँ जूझते रहे। तो जब लंबे अरसे सरकार में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर गरीब मजदूर के अन्य मेहनत में लोगों के हितों में जब वो ठोस कदम नहीं उठाए, हमने समाज पार्टी का और इसके बाद समाजवादी आपके बीच में आपके लिए कहते हैं कि आप हमें सरकार में फिर से एक ही सवाल पूछना चाहिए कि आज़ादी के बाद हमने बसों तक काफी बसों तक सबसे ज्यादा समय तक हमें आपको मौका दिया, जब आपने तो लंबे अरसे तक हमारे हितों के लिए कुछ काम नहीं किया, तो क्या गारंटी है कि आप कुछ हमारे हितों के लिए कार्य कर पाएंगे। आप लोगों को मालूम है कि राम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया। कल आप लोगों के लिए दूसरी बात यह है कि यहाँ केंद्र और राज्यों में जो भी पार्टियाँ या पावर आए तो उन्होंने उन कानूनी अधिकारों का पूरा लाभ आप लोगों को नहीं। सरकार पप्पू हंसी झूठे के मोदी बच।